फाइल पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, इसमें इस वीडियो में आपको मैं किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, किसी भी प्रोग्राम में फाइल में पासवर्ड लगाने के लिए सिंपल तरीका मैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए एक्सेल में सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा ग्राफ बनाने के लिए मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आज फाइल पासवर्ड बनाने के लिए सीखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव या सेव एज ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही आप सेव या सेव एज ऑप्शन पर आप चूज क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा लोकेशन। अब किस लोकेशन पर आप अपना फाइल को स्टोर करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप लोकेशन को चूज करते हैं। डेस्कटॉप लोकेशन पर क्लिक कर दिए हैं। जैसे ही डेस्कटॉप लोकेशन पर क्लिक किए हैं तो हमारे सामने इस तरीका का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। जो भी फाइल का पासवर्ड आप डालना, फाइल का नाम आप लिखना चाहते हैं वो फाइल का पास नाम यहाँ लिख देंगे। हम फाइल का पासवर्ड नेम, फाइल नेम हम फाइल ही लिख देते हैं, फाइल नेम ही लिख देते हैं। और पासवर्ड लगाने के लिए आपको सिंपल टूल्स वाला ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। जैसे ही आप टूल्स वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई देगा, मैप, नेटवर्क, ड्राइव, वेब ऑप्शन, जनरल ऑप्शन और कंप्रेस पिक्चर। तो मुझे जनरल ऑप्शन वाला पर क्लिक करना है। जैसे ही जनरल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक अलग से डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा, और यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड डालेंगे, ऊपर में जो नंबर डालेंगे वो नीचे में नहीं डालना है। जो ऊपर में पासवर्ड डाले हैं वो नीचे नहीं डालना है, दूसरा पासवर्ड आपको डालना है। ऊपर में पासवर्ड जैसे कि यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 डाल दिए हैं, इसका विपरीत इधर डाला हुआ है। फिर यहाँ ओके करते हैं। यहाँ पर पहले जो पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड हम फिर से यहाँ लगाएंगे और फिर ओके करेंगे, और यहाँ पर दूसरा पासवर्ड जो हम लगाए थे वो पासवर्ड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे और ओके करेंगे, और फिर फाइल को सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा फाइल पासवर्ड क्रिएट हो गया है, और जब भी हम फाइल को अब खोलेंगे तो सबसे पहले मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये डेस्कटॉप पर ये फाइल का पासवर्ड, फाइल जो भी सब फाइल नेम से सेव किए, चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए राइट क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के लिए जैसे ही हम करते हैं तो ओपन होता है, लेकिन वो फाइल हमारा ओपन नहीं होता है और मेरे सामने पासवर्ड वाला डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ पर हम वही पासवर्ड डालेंगे जो पहले पासवर्ड हम लिखे थे और ओके करेंगे। उसके बाद दूसरा में वो पासवर्ड हम डालेंगे जो दूसरा बार में हम पासवर्ड डाले थे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने वो फाइल खुलकर सामने आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया फाइल पासवर्ड प्रोडक्शन समझ में आ गया है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य